प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, मित्रों, दुनिया में सभी लोग हर रोज कोई न कोई पाप करते ही है, लेकिन वह स्वयं कभी ये नहीं सोचते कि वो पाप ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस बात का उत्तर हम आपको एक कथा के माध्यम से देंगे। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे। वो और उनकी रानी दोनों ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था और उन्हें एक ही पिंजरे में रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियां बीबी में एक ना एक दिन लड़ाई जरूर होती है। तो काफी समय बीत चुका था। एक दिन मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि यह पुरुष बड़े पापी होते हैं, ये बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं, मौका मिलने पर यह कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, तू तो रहने ही दे, पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती है ना, उतना धोखेबाज तो कोई होता ही नहीं है। इनसे बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। यह किसी की भी हत्या कर देती है, जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। सब दृश्य देखने के बाद राजा ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पर तुम दोनों विवाद कर रहे हो। मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा, मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा पापी स्त्रियां ही होती है। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो। तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठ जी थे, बड़े ही धनबाद, और उनका जो बेटा था वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ ये बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ, जुआ में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वो एक सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा जल मिलेगा। जब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, जिसके उत्तर में लड़के ने कहा, मैं व्यापारी हूँ और जहाँ से जा रहा था व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे। ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। अब इस लड़के को तो केवल धन के लिए विवाह करना था, जो वो कर लेता है। विवाह के बाद वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार के मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। देती भी कैसे नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रख कर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के के साथ आई दासी को उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया कि वह उसमें डूबने से मर जाएगी। वो वहां से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था,
तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब क्योंकि वो स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता से झूठ कहा और बोली, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना। वो कहते हैं, ना आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, तो उस लड़के ने पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रात हुई और उसने अपनी पत्नी का चाकू से कत्ल कर दिया तथा सारे जेवर लेकर चला गया। राजा को ये सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। मैना की ये बातें सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की बात सुनने के बाद राजा बोले, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पापी है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान पापी होता है। फिर वो भला पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।